हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। हम विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी श्रृंखला में इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड के। और इसमें हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कम से कम समय में हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सारी जानकारी आपको दी जाएगी और सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एवं अन्य विद्यार्थी 32% अंक अर्जित करता है लेकिन न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताना है। तो इसमें हम देखेंगे, मान लो वह x नंबर से उत्तीर्ण होता है और 22% उसको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, तो हमसे पूछा है कि कितने परसेंट में वह उत्तीर्ण होगा, ये हमें बताना है, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक परीक्षा में क्या होता है, एक विद्यार्थी 20% अंक अर्जित करता है, कितने परसेंट अंक अर्जित करता है, 20%, लेकिन वह कितने नंबर से फेल हो जाता है, 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यहाँ पे लिखा है। तो जितने पासिंग मार्क है उससे उसको कितने कम मिले, 30 नंबर कम मिले। अब आगे पढ़ते हैं, एक अन्य विद्यार्थी है उसी के जैसा, उसी परीक्षा में वह बैठता है और उसको कितने परसेंट अंक मिलते हैं, 32% अंक वह अर्जित करता है, लेकिन जो उसके अंक हैं वह जो न्यूनतम पासिंग मार्क है जो अपने यहाँ एक्स है उससे कितने अंक ज्यादा प्राप्त करता है, 42, है ना। तो एक्स से कितना ज्यादा प्राप्त करता है, 42। अब हमें क्या करना है, जो दो डेटा हमारे पास है इनका अंतर लेना है। तो 32 और 20 का अंतर कितना हो गया, 12% बराबर इन दोनों का अंतर, तो ये नेगेटिव संख्या है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 72, मतलब 12% की वैल्यू कितनी हो गई, 72। तो इसको हम काट देंगे, 12 एकम 12 12 6 72, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। ये हमने क्यों निकाला है, इससे हमें पता चल गया कि जो हमारी परीक्षा है वह कितने नंबर की हो गई, 600 नंबर की। अब हमें बताना है कि ये जो बाई मतलब कितने परसेंट में वह पास होगा, तो 600 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6 दूनी 12, मतलब 120 नंबर 600 का 20% हो गया। लेकिन उसने बोला है कि जब 20% अंक प्राप्त करता है तो कितने कम होते हैं, 30, तो जब ये 30 नंबर इस नंबर में हम जोड़ देंगे, है ना, मतलब उसने पहले नंबर कितने अर्जित किए हैं, 120, ये 30 नंबर उसके कम हो रहे तो हमने उसको दे दिए, तो अब कितने नंबर हो जाएंगे, 150। अब जो 150 जो नंबर है इतने नंबर में भाई क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, इतने में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो ये जो 150 नंबर है वह 600 का कितने परसेंट है, तो ये देखना है हमें। तो 150 बटा 600 गुणा 100, तो इसको काट दो, 0 से 0, 2 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 25 होता है 150, तो कितने परसेंट हमें चाहिए, 25% उसको पास होने के लिए चाहिए। ये मुझे समझाने में आपको टाइम लग गया, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम कितना करते कि इन दोनों का यहाँ से डायरेक्ट अंतर लेते, 12% बराबर कितना आ गया, 12% बराबर आ गया आपका 30 और 42 72, है ना। तो 1% बराबर कितना आ गया, 6, 100% बराबर आ गया 600। इतना करने के बाद हमें निकालना है कितने परसेंट, 20% निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और 30 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 150 कितने परसेंट है, 1/4 है, 1/4 है कितने का, 600 का, मतलब कितने परसेंट, 25%। मुश्किल से इसमें 40 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप मेथड से जाएंगे, अगर आप इसको जो ट्रिपिक जो हमारी मेथड होती है उससे करेंगे तो इसमें कम से कम 2 मिनट लगेंगे, लेकिन हम इसको अपनी जो मेथड उससे करेंगे तो मुश्किल से आप इसको 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा है क्या, देखो, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है और 30 सेकंड में उस पुल को पार कर लेती है, पुल की लंबाई आपको बतानी है। तो हमने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, DST,
डिस्टेंस स्पीड टाइम ऐसे लिखने के बाद इसको आप देखो जो जो लिखा है आपके लिए क्या लिखा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो डिस्टेंस कितनी हो गई 150 मीटर। अब उन्होंने बोला है कि एक पुल को पार करती है तो पुल की भी कुछ लंबाई होगी तो उसको इसमें ऐड कर देना है तो प्लस कर देंगे एक्स। अब उसने बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर बराबर 60 किलोमीटर बराबर की स्पीड से चलती है तो ये किलोमीटर बराबर में है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 में 5/18 का गुणा करते हैं। जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे तो इसको काटेंगे 6 × 3 = 18 6 × 3 = 60 10 × 5 = 50/3 मीटर पर सेकंड ये आ गई इसकी क्या स्पीड और टाइम कितना है 30 सेकंड है ना 30 सेकंड में वह पार कर लेती है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कौन सा फॉर्मूला पता है इसको हम यहां से रफ कर देते हैं जिससे हमें जगह मिल जाए। ये आपकी स्पीड यहां पे कितनी आ गई वो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा तो ये इधर आ जाएगा 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमें निकालना क्या है डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आपकी कितनी है लिखा है आपने अभी यहाँ पे 150 प्लस एक्स डिस्टेंस है स्पीड कितनी निकाल ली आपने 50/3 और टाइम कितना है आपका गुणा 30 है ना तो 3 से इसको काट देंगे 30 × 3 = 3 × 3 = 30 तो 150 × x = 50 × 500 तो अब 150 को 500 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 350 मीटर इसकी क्या हो जाएगी पुल की डिस्टेंस हो जाएगी तो इसको आप याद रख लेना। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं है ना। अगर आप जो मैंने देखी आप अगर देख रहे होंगे तो इस सीरीज की ये 14वीं वीडियो है अगर आप रेगुलर सारी वीडियो देख चुके हैं तो आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से एक क्वेश्चन से हम उसकी सारी मेथड्स को जान लेते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कम से कम समय में ये सारी चीज़ें उसमें हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 विद्यार्थियों ने सभी संभावित युग्मों तरीकों में युग्मों में स्वयं को का वजन किया वजन 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 और 101 किलोग्राम थे पांचों लड़कों के वजन क्या थे। आपको इसमें देखना है कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5 एक ये जो लड़का है ये चार तरीके से युग्म बना सकता है तो ऐसे ही सारे जो लड़के हैं वह चार चार तरीके से युग्म बनाएंगे मतलब उनका यहाँ पे वजन 4 बार काउंट हुआ है ना। जितने भी लड़के हैं जैसे इसका वजन मान लो 42 है तो 42 को यहाँ पे कितने बार काउंट किया है 4 बार क्योंकि इसने इसके इन चार के साथ युग्म बनाए हैं। अगर 2 की बात करें तो 2 ने इन 3 और 1 यहाँ पे 4 इस तरीके से सभी का वजन कितने बार काउंट हुआ है 4 बार काउंट हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा जितने यहाँ पे नंबर लिखे हैं इन नंबर को जोड़ करके 4 से भाग दे देना है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101 है ना। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना मिल जाएगा आपको क्या करना है इन सभी को जोड़ना है जब आप जोड़ोगे तो इनका टोटल आ जाएगा 956 और 956 से आप 4 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 239 तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक माता एक पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल कितना है 70 कोई मदर है और उसकी जो डॉटर है उनका आयु का योग कितना है 70 वर्ष ये कब है वर्तमान में। अब उन्होंने बोला है 5 वर्ष पूर्व माता की आयु और पुत्री की आयु की 3 गुनी थी यहाँ पे मदर यहाँ पे डॉटर तो डॉटर की आयु मान लो 1 तो माता की आयु कितनी हो जाएगी 3 उन्होंने बोला है ये कब का है 5 वर्ष पहले है ना तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग भी कम हुआ होगा मतलब 5 मान लो इसकी आयु एक्स है इसकी आयु बाय है वर्तमान में तो इसकी आयु से 5 वर्ष कम करने पड़ेंगे और इसकी आयु से 5 वर्ष कम करने पड़ेंगे
मतलब जो हमें टोटल दिया उसमें से हम 10 कम कर देंगे तो 60 बचेगा। और ये योग कब का होगा, 5 वर्ष पहले आयु का होगा, है ना। तो 5 वर्ष पहले आयु का योग कितना आ गया, ये 5 ईयर एगो, है ना। 5 वर्ष पहले आयु का योग कितना है 60, और अनुपात कितना है 3:4। तो हम यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यहाँ पे 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 60। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 × 4 = 4, 15 = 60। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 का गुणा आपको करना है इस वाले में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 15 और 15 × 3 = 45। मतलब 5 वर्ष पहले माता की आयु 45 और 5 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 15। उन्होंने पूछी है पुत्री की वर्तमान आयु, तो ये 5 वर्ष पहले की ये हो गई और 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 20। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि देशिकन का जन्म शनिवार 9 नवंबर 2002 को हुआ। मतलब उनका कहना है कि 9 नवंबर 2002 को क्या है, शनिवार है। क्या है, शनिवार। उन्होंने क्या बोला, शनिवार है। आपसे बोला है कि 2008 में उसके जन्म दिन पर सप्ताह का कौन सा दिवस होगा, तो उसका जन्म दिवस कब आएगा, 9 नवंबर को ही आएगा और 2008 में आएगा, है ना। तो आपको बताना है कि 9 नवंबर 2002 को क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार। अब उन्होंने पूछा है 9 नवंबर 2008 को क्या होगा, तो आपको पता है कि हर वर्ष में एक दिन शेष रहता है, एक दिन बढ़ता है, है ना। तो यहां से यहां तक देख लेना है इनका गैप कितना है, तो कितने का गैप है, इन दोनों का अंतर कितना है, 6, है ना। तो 6 वर्ष इनके में क्या हुआ होगा, 6 दिन इनमें ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि 2004 क्या होता है, लीप ईयर, तो एक इसका बढ़ जाएगा दिन। 2008 भी क्या है, लीप ईयर, तो एक इसका दिन बढ़ जाएगा, तो 2 और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8। अब इस 8 को भाग देना है 7। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 × 7 = 7, कितना शेष बचा, 1, है ना। तो इस 1 को ऐड कर देना है आपके, जो दिया गया है, क्या दिया है, शनिवार। शनिवार में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। तो इस तरीके से उसका जन्म दिवस 2008 में कब आएगा, रविवार को आएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि ने 460 रुपए के एक आर्टिकल बेचा एवं 15% का लाभ कमाया, है ना। कोई आर्टिकल हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। जब उसने 15% लाभ कमाया तो वो कितना हो जाएगा, 115%। तो 115% कितने में बेचा है, मतलब 460 रुपए में बेचा है। 115% बराबर कितना, 460। अब उसने बोला है 20% लाभ कमाना है, तो 20% इसमें 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 120% बराबर, ये आपको बताना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 115% की वैल्यू दी है, आपको 120% की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, पहले आप इसकी 100% की वैल्यू निकालो, फिर 120% की। ऐसा अगर आप कर पा रहे हैं तो देखो, इसमें अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये वाली वैल्यू है, इससे ये वाली वैल्यू कितनी है, गुणा 4 गुना है, 15 × 60 और 1 × 4, 4 गुना वैल्यू है। तो इसमें आपको 4 गुना कर देना है बस, तो 120 × 4 कितना हो जाएगा, 480। तो ये 480 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योगफल 35 है, मतलब दो संख्या x + y बराबर कितना, 35, एक दीर्घ संख्या लघुत्तम से 21 अधिक है, कितनी अधिक है, 21 अधिक है। मान लो अगर ये एक्स है बड़ी संख्या, है ना, तो ये इसमें से 21 कम कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी, बाय, है ना। तो x + y निकल आएगा, तो अगर इसमें से 21 कम कर दिया जाए तो दोनों संख्या एक सी हो जाएंगी, है ना। तो अगर आप ये 35 टोटल है, इसमें से 21 कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 7 एक संख्या, 7 दूसरी संख्या, है ना। एक संख्या 7 और एक 21 बड़ी है, तो इसमें 21 ऐड कर दो, तो एक 7 हो गई, एक 28 हो गई। देखो दोनों का योग कितना है, 35, इन दोनों का अंतर कितना है, 21। आपसे पूछा है कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 28। इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, आरोही क्रम पूछा है। तो पहला देखो कैसे चेक करेंगे, 1/5, 1/4,
एक बटे तीन, एक बटे दो। बढ़ते क्रम में मतलब पहली संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। तो इनको जब सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि एक बटे पांच कितना परसेंट होता है, 20%, एक बटे चार होता है 25%, एक बटे तीन होता है 33.33%, एक बटे दो होता है 50%। तो आपको लकीली पहला जो ऑप्शन है वही आपको बढ़ते क्रम में मिल गया। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, एक बटा फर्स्ट जो है ऑप्शन वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशमलव के तीन स्थानों तक 17.85796 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, लिखेंगे 17.859076 इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करते हैं, पीछे से इसके जोड़े बनाएंगे इस तरीके से, दो दो नंबर के इसके जोड़े बना देंगे। तो ये सभी जोड़े बन जाएंगे। अब इस नंबर को भाग देना है ऐसी संख्या से कि जिसका वर्ग आए, जैसे चार से आप भाग देंगे तो चार का वर्ग कितना होता है 16। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक। अब ये वाला पेयर इधर पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 85। इस वाले चार को इधर ऐड कर देना है तो ये चार चार कितना हो जाएगा 8। अब इस वाले नंबर को यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि इस नंबर से ज्यादा ना हो। तो जैसे हमने इसको दो बार भाग दिया है ना, अब यहाँ से ये पॉइंट वाला नंबर आ गया तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। दो बार इसको भाग दिया तो दो बार दोगे तो कितना हो जाएगा, दो दुनी चार, आठ दुनी 16, 164 बार यहाँ पे भाग चला जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा आपके पास 21। कितना शेष बचेगा, 21। अब ये वाला नंबर इधर आके ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84। अब फिर से यहाँ से ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा 90, तो इतना हो गया। अब कितने बार भाग देंगे, तो मान लो ये 84 है, अब यहाँ पे कोई नंबर लिखना है तो हमने इसको दो बार भाग दे दिया, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो अट्ठे 16। इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो ये कितना आ गया लगभग 4.22। तो यहाँ पे 4.22 वाली एक ही संख्या है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य है आपको बताना है। तो ये जो संख्याएं दी हैं आपको पूर्ण वर्ग संख्या देखना है और वो संख्या इन सभी नंबर से विभाजित हो। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो भी हो सकता है, और अगर आप इसका एलसीएम ना लें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो भी ये आंसर आप निकाल सकते हैं। देखो आपको यहाँ ऑप्शन देखना है, ये 1200 पूर्ण वर्ग संख्या तो पहले से है नहीं, है ना, इसको हटा दो। अब ये 900 है, 900 में आप देखो 5, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, लेकिन 8 का भाग 900 में नहीं जाएगा, तो इसको देख लेना है। तो 900 ये नंबर नहीं होगा। फिर 2500 की बात करें तो 2500 में आप देखो 3 का भाग नहीं जाएगा, है ना, 2500 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, क्या बचा 3600, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप जो 10 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।